गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी जिला अतिथि गृह मोतिहारी में, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं अपने गांव उड़ेन। यहाँ पे हमारे भैया जी हैं। गुड मॉर्निंग। मैं बिहार में आया हूँ तो मैंने आज तक दातुन ट्राई भी नहीं किया है, तो मैंने भैया को बोला था भैया आप प्लीज एक बार करवाइए। तो ये अमरूद है ना भैया जी? अमरूद का बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण है, तो मेरे को चंपा का फूल दिया गया, मतलब चंपा का प्लांट दिया गया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो अभी समय हो गया है मोतिहारी सर्किट हाउस से निकलने का, तो बढ़िया से भैया लोग ने खाना पीना खिला दिया था, मज़ा आ गया खा के। तो बस निकलते हैं और 4-5 घंटा लगेगा हमें मधुबनी पहुँचने में, डायरेक्ट गाँव पहुँचना दादी माँ के पास। थैंक यू भैया लोग। बाय बाय। अभी पापा आए हैं दादी माँ बाबा के लिए मिठाई खरीदने के लिए। हम लोग मिठाई खरीद कर आ चुके हैं। तो अभी हम सो गए थे, अभी करीब 2-2.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में हमें, और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ पे ऐसा है कि देखो अभी पूरा सूखा है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और थोड़ा सा आगे बैठे तो बिल्कुल सूखा हुआ है। ये भी सो गया है, दीदी भी सो ही रही थी। तो गाइज अभी 12:30 बज चुका है और बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव उड़ेन। हमारे बाबा जी आ चुके हैं घूम करके। कैसे हैं बाबा? अब तो कुछ नहीं कहा जाता है, अब तो हम देख लेते हैं सबको। तो लोग हमको भी तो हो गया मम्मी ठीक है। बड़े बाबू का घर बन रहा है, चल के देखते हैं अभी। तो देखिए दादी माँ वाले खजूर बना के रखिए गरम गरम एकदम, अभी से खाते हैं और वापस सारा ले जाएंगे घर पर। दादी बड़की दादी बड़की दादी बचपने से होने के होने छथी बड़की दादी। इनका मतलब जैसी दिख रही है ना, ये ऐसी दिखती थी जब हम लोग बच्चे थे तभी से ऐसी दिखती थी। और जब ये दादी है वो, अब जब ये दूर से आती थी ना हमें पता चल जाता था कि गुजरा वाली दादी है। तोरा दाई के हम अथी छियो
काकी सब हमारी दादी माँ की सास बापे के दाए तू हमारे पोता भला मर मतलब पर पोता हुआ मैं इनका पापा भी नहीं हंसते हैं बिल्कुल नहीं हंसते हैं बाबा आप भी हंसिए तो थोड़ा सभी लोग आए हैं दादी माँ बाबा से मिलना हो गया है। अब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से, कहाँ जाएंगे वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं उचैठ शक्तिपीठ। हम बचपन में जाया करते थे, जब जब गांव में आया करते थे। तो हमारे साथ अभी सारे पुलिस अधिकारी जा रहे हैं बेनीपट्टी थाने के। तो जल्दी चलते हैं और दर्शन करते हैं उचैठ शक्तिपीठ का। यस, ये चौक है उगना चौक। अभी हम जहाँ से जा रहे हैं, पहले इसका नाम था धुनीमा, धुनीमा चौक। उस समय में बचपन में जब आते थे ना, तो मैं, बाबा और सनी, दीदी भी, कम से कम 5 किलोमीटर का राउंड ऐसे लगता है यहाँ पे पूरा लगाते थे शाम के वक्त, हर दिन एकदम। मैथिली ठाकुर के सबसे प्रिय उचैठ वासी। Thank you.
वीडियो सर से मिलने ब्लॉक जा रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे स्टाफ भी आए हुए हैं हमें लेने के लिए, और उनसे हम कभी पहले मिले नहीं है और वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से सीधे उनके पास जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज अपनी बुआ जी से भी मिलने जाएंगे। तो दर्शन कैसा हुआ आज? दर्शन बहुत अच्छा हुआ। हम लोग गाना भी सुनाए थे, हम तो गाना भी बिल्कुल गीत भी सुनाए, और पिछली बार जब आए थे ना उस समय इतना भीड़ था कि गीत नहीं सुना पाए थे, और ऐसे साक्षात दर्शन भी होना बहुत दुर्लभ है। और इतना बड़ा बात कि हमने आपको भी दर्शन करवा दिया, देखिए सौभाग्य मिला आपको। ये तो है, ये तो है। तो जो लोग भी आते हैं ना तो यहाँ का दर्शन अवश्य करिएगा, बिहार आना है और मधुबनी आना तो शक्ति पीठ है, उच्चैठ स्थान। और यहाँ का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कालिदास यहीं पे पढ़ के बिल्कुल वो विद्वान हुए थे, तो यहाँ पे सब कुछ उनका पेड़ नदी सब कुछ जो आप स्टोरी में पढ़ेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार अवश्य आए और इस क्षेत्र में अवश्य आए। तुम जाओ ना अपने डॉगी के पास जाओ ना। नहीं, डर गया ये अपनी कुत्ते से डर गया। बहुत सारे छोटे भी हैं बड़े भी हैं हर तरीके। जाओगे? हाँ आपका डरावना था, आपको जाएगा ना सबको काट लेगा। मेरे से सवारी नहीं। उठा लियो, उठा लियो। एक तो पता नहीं है छोटे छोटे बच्चों को डायनासोर से क्या ऑब्सेशन होता है, जब देखो डायनासोर। बाय बाय। अरे उसका देखा वो बड़ा बड़ा। बाय बाय। बाय जा रहे हैं अपने लाल बुआ से मिलने। yes. कुरकुरे खाने का मन है दीदी को, बताओ यार। बता, रास्ता में रुक कर क्या हम खाते हैं? एक दीदी को देख रहे हम खाते हैं। क्यों? वो लाए तो वो नहीं खाएगा। जय बजरंगबली। कैसा लग रहा है तू ऐसे? अरे आनंद आनंद हो गया, हमने कभी इतना एक दिन में नहीं घूमा बिहार के अंदर। हम लोग सुबह चंपारण से निकले, पूर्वी चंपारण से निकले, उसके बाद हम लोग पहुंचे उड़ेन गांव बेनीपट्टी अपना घर, उसके बाद हम लोग उच्चैठ भगवती स्थान गए दर्शन के, और वहां से हम लोग गए बीडीओ सर से मिलने के लिए। वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, मतलब बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और वहां से जा रहे हैं कलवाही अपनी लाल पीसी से मिलने के लिए। फिर वहां से हम लोग जाएंगे एक और जगह जो कि आप लोग अभी देखेंगे आगे। Am I looking smart? You're looking beautiful. I'm looking beautiful. Okay. मैं यहाँ के लोग सबको जानते होंगे जैसे नाम डाल। मेरे को नाम से नाम बताएं कि किनके घर जाना है। हेलो डिटोल ही इधर ही जाते हैं डिटोल। हाँ हाँ भगत जी भगत पहुंच गए, पहुंचने वाले पहुंच गए। बिना बताए हम लोग आए हैं। गोर लगे थे हुआ। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं पीसा पीसी से मिलने के लिए। पीसी जी वहाँ पे बैठी हुई है और हमारे पीसा जी को देखिए,
मतलब मुझे बचपन से लेके अभी तक में मतलब इनसे इतना ज्यादा ना मेरा बॉन्ड बन गया है कि इनको देखते ही मन खुश हो जाता है। हमारे पिसा जी लाल पिसा जी हमें बहुत प्यार भी मन खुश हो जाता है बच्चे को देखते हैं गोबर के इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। उनका तो गौरव है ना कि मैथिली ठाकुर के पिसा प्राइड। मैं मुझे याद है मैं जब छोटी थी ना तो मैं बहुत प्राउडली बताती थी इनको कि आज मैं ये सीख के रखी हूँ वो सीख के रखी हूँ ये करके रखी हूँ देखिए मैं ये पढ़ रही हूँ और ये बहुत अप्रिशिएट करते थे। मतलब मन करता था अरे पिसा जी आ रहे हैं तो इनको अब ये सुनाऊंगी अब ये बताऊंगी और ब्रेड वाला मैंने आपको ऊपर बना के खिलाया आपने बोला अच्छा लगा उस दिन से मैं इतनी खुश हुई और बनाना शुरू कर दी। बहुत दिन बाद मिल रहे थे इतना अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम अपने बुआ के घर पे आए थे मिलिए इनका नाम है मोमो फ्राइड वाइटी। हमारे साथ काफी बार आपने देखा होगा 2.0 जो जो स्ट्रीम देखा होगा मेरे पबजी का तो यही हैं जो खेलते हैं हमारे झाजी झाजी हैं हमारे। नमस्ते यार आर्यन भाई मैं सोच रहा था आप भी आओगे आपको तो पूछने का हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल फिर बातचीत कर रहा वीडियो कॉल पे। तो यहाँ बहुत बढ़िया से मुलाकात हो गई बुआ से भी और हमारे दोस्त से भी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं दरभंगा क्योंकि वहाँ पे हमारा नानी गाँव तो वहाँ पे मामा से मिलेंगे हम। तो मामा सामने सामने जा रहे हैं हमारी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। भाई बिल्कुल विश्वास हो क्या रहा है एकदम पूरा गाड़ी में बैठती नींद आ रही है। प्रांजल एक बार आयगिरी नंदिनी सुनाना। आयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विरोधिनी नंदरुते वीरवर विंध्य सिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी विश्व रुके। हाँ अब गलत गा रही अब गलत गा रही। तो ये है हम सारे नानी गांव वाले बच्चे जो कि सब बड़े हो चुके हैं। एक बार जोर से बोलेंगे ये हम सारे नानी गांव वाले बच्चे कुछ बच्चे शायद मिसिंग हैं। यहाँ हम सारे एक जगह हैं सारे एक जगह इतने सारे ना लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हमारी नई मेंबर जुड़ी है मैं इनसे पहली बार मिली हूँ जिनका नाम है प्रांजल। हमारे बहुत सारे वीडियोस देखती है प्रांजल में हेलो बोलो तो हेलो। मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि सब लोग को जो लास्ट टाइम देखे थे सब छोटे छोटे इसका बचपन वाला फोटो देखे थे ये बहुत ही मासूम लग रहा था। मुझे पता नहीं कैसे अमन कितना बड़ा हो गया अमन बहुत बड़ा हो गया मेरी मतलब सारे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड वाले थे हम लोग सब ये 12th में चली गई है 10th में चली गई है UKG में हम में सबसे छोटी है ये। मैं मौसी बन गई मासी इनकी मासी मैं मामा बन गया मैं भी। मुझे सबसे ज्यादा क्या मजा आया कि इन सब ने बोला ऐसा कि मुझे दीदी से मिलने का उतना मन नहीं था ऋषभ भैया आ रहे तो उनसे मिलने का ज्यादा मन है। ये मेरी फैंस है ठीक है। तो एक बार सब बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब इधर का कमेंट कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ा आदमी ये भाइयों में सबसे छोटा है सबसे बड़ा हो गया है। चलते हैं चलिए मजा आ गया। Bye-bye. Bye-bye.